हमारी कुवत है कि कोई पशु मारना हो ना तो आदमी उसके तो सींग पकड़ ले। जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं उनका क्या पकड़े, ये तो मक्कार लोग हैं, सारा दिन सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। आपने अजय सिंह का बयान नहीं देखा, यहीं आपके कुरुक्षेत्र में उसने कहा कि श्रुति तो मेरी बेटी के समान है। कोई बच्ची को ये कहे कि ये मेरी बेटी की समान है, पहले उसके ऊपर कटाक्ष करे, इस तरह की टिप्पणियां करे जिससे समाज दे सब लोग उनसे घृणित हों, सब लोग उनको महसूस करें कि ये उस घर में पैदा हुआ व्यक्ति है जिस घर ने हमेशा राजनीति के अंदर इस बात का पुरजोर ख्याल रखा कि मेरी जबान जो है वो मर्यादित रहे। किस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणियां करी थी, कल तो कह रहे थे ना कि मैं तो कभी किसी पे कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करता जिससे किसी को आहत होना पड़े। तो ये लोग तो झूठ के घोड़े बांध करके चलते हैं, झूठ की पोटली रखते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उस पोटली में से निकाल करके बांटते रहते हैं। इनका फैसला भी 23 तारीख को लोग कर देंगे। उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो है डीडी शर्मा, सुनने में आया उनसे काफ़ी लोग नाराज हैं कि आम आदमी पार्टी के भी जो काम करता है एक तरीके से जगह जगह विरोध हो रहा है और आम आदमी पार्टी के जो। अरे आप मुझे एक चीज बता दो, विरोध यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी का तो भागल गांव के अंदर, इनका स्टेट का प्रेसिडेंट गया था, इनका विधायक गया था, ये तो गनीमत थी कि वो लोग पीछे रह गए थे। अगर वो मंच पे होते तो आपको एक ऐसी खबर मिल सकती थी कि लोगों ने ईंट और पत्थर मार करके सुभाष बराड़ा और एमएलए को दोनों को पीट पीट करके मार दिया। इतना बड़ा गुस्सा लोगों में है, सोच नहीं सकते किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी मंच पे जाते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल पे चढ़ा घूम रहा है, कभी कोई एसयूवी में चढ़ करके घूमता है। मुख्यमंत्री जनसभा क्यों नहीं करता? इसलिए जनसभा नहीं करता, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास हो गया कि कहीं जनसभा करूँगा तेरे को लोगों के जूते और चप्पलों का सामना ना करना पड़े, कहीं लोग तेरे ऊपर काले झंडे दिखाएं, कहीं मिट्टी ना फेंकें, क्योंकि इन्होंने ऐसी करतूत करी, ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से लोग